दोस्तों आज का व्लॉग बना रहे हैं चेहरे के पिंपल के बारे में। कई जगह ऐसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि वैद्य जी आप चेहरे के पिंपल के बारे में, चेहरों की छाइयों के बारे में कोई वीडियो बनाएं। तो मैं आज आपको दो तीन ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता में लिखे हुए हैं और अच्छी तरह प्रमाणित नुस्खे हैं। हमने कई बार उसका प्रयोग करके देखा है दोस्तों। कई बार जैसे पिंपल हो जाते हैं, वो पिंपल जाने का नाम नहीं लेते, उनमें दर्द होता है और चेहरे पर बड़े भद्दे लगते हैं। और अगर वो पिंपल थोड़े दिन बाद चले भी जाते हैं तो उसके बाद दाग छोड़ जाते हैं, वहां पर काला काला दाग रह जाता है दोस्तों। और हर आदमी को, हर औरत को, हर मर्द को अपना चेहरा बड़ा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। ये सोचते हैं कि मेरे चेहरे पर कोई दाग ना हो, मेरे चेहरे पर कोई धब्बा ना हो। तो दोस्तों अगर आपको पिंपल बार बार होते हैं तो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आपका पेट खराब ना हो। आप अगर आपका पेट खराब रहता है तो भी आपको पिंपल हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सुबह शाम त्रिफला, 1 चम्मच त्रिफला ले गुनगुने पानी के साथ, आपका पेट साफ होगा तो पिंपल नहीं होंगे। और उसके बाद भी अगर आपको पिंपल होते हैं तो भुनी हुई फिटकरी ले लें। क्या लेना है? भुनी हुई फिटकरी और काली मिर्च, इन दोनों का अच्छी तरह से पाउडर बना लें और इनको किसी पानी में मिलाकर और इसका लेप बना लें और उस लेप को वहां पिंपल, जहां पिंपल है वहां पर अच्छी तरह से लगाएं। दोस्तों इसके मालिश करने से, इसके लगाने से पिंपल चला जाएगा और पिंपल के साथ साथ वो काला दाग है, वो काला दाग भी नहीं रहेगा। और उसके इसके साथ एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे जो हमारा मौसमी होती है या हमारा संतरा होता है, इसको हम थोड़ा सा पानी में घिसाकर अगर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे के दाग धब्बे मिट जाते हैं और चेहरा चमकदार हो जाता है। और दोस्तों आप अपनी नाभि में सरसों का तेल जरूर डालें, क्योंकि सरसों का तेल अगर हम नाभि में डालते हैं तो इससे अगर हमारे होठ फटते हैं तो वो भी नहीं फटेंगे और होठ मुलायम हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, कालापन मिट जाएगा और आपका चेहरा भी इससे सुंदर होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।